हमारे बीच में सागंज के सम्मानित विधायक रमेश सिंह हैं। आज अंबेडकर नगर में आके योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए उन्हें सम्मान पत्र दिए। ऐसे में हम बात करेंगे सागंज विधायक रमेश सिंह से, आखिर इनका क्या है विचार। देखिए, आज योग शक्ति संगठन द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें प्रशिक्षित पत्र ये हमारी माताओं बहनों को ये वितरित किया जा रहा है। 6 महीने की ट्रेनिंग इन लोगों की पूरी हो चुकी है। 6 महीने से लगातार योग कर रहे हैं और आज हमारी माताएं बहनें इतनी सशक्त हो गई हैं कि अब इनको सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये पूरे सागंज को सिखाने के लिए तैयार हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और नहीं हो सकती। सागंज के विकास पे मुझे लग रहा है कि सागंज ने अब मुख्य विकास की धारा से सागंज जुड़ना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि बाईपास का काम का ये स्वीकृति हो गई, सीमांकन का काम पूरा हो गया है, हिस्सा कशी चल रही है, बहुत जल्दी किसानों को मुआवजा मिलना जमीन का शुरू हो जाएगा। मैं सबसे सौभाग्यशाली विधायक हूँ कि पहली बार का विधायक होने के बावजूद 508 अमृत रेलवे स्टेशन योजना जो पूरे देश में लागू हुई थी, 508 स्टेशनों में एक हमारा सागंज रेलवे स्टेशन भी है, जिसमें 20 करोड़ 30 लाख रुपए से एयरपोर्ट की तर्ज पे आज रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होने जा रहा है। काम शुरू हो गया, आप देखे होंगे। यहाँ आपने देखा होगा कि जो हमारा बस डिपो जो शौचालय से बदतर हालत में था, आज उसकी बिल्डिंग तोड़ने का कार्य शुरू हो गया। बहुत जल्द नई बिल्डिंग का काम वो भी शुरू हो जाएगा। कई सारी योजनाएं जिसका लाभ आज सागंज को मिलने जा रहा है। फायर स्टेशन हो गया। हमारा एक प्रयास है कि 100 बेड का एक अस्पताल, जो महिला अस्पताल है, वहाँ एक 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये केंद्र सरकार के माध्यम से हम लोग ये योजना यहाँ लेके आ पाए, और कई सारी योजनाएं जिसका लाभ निरंतर सागंज को मिले। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा का परचम लहराने के बाद नरेंद्र मोदी ने आज ये स्तर हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बीच वार्ड स्तर पर भी जो है यह अवसर आपको मिला, हम लोगों को मिला सम्मिलित होने के, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 महीने के प्रशिक्षण में आज हमारी माताएं बहनें इतनी प्रशिक्षित हो गई हैं कि ये पूरे सागंज को ये ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं हो सकता, और ये प्रेरणा का स्रोत है। आज यही लोग जाके और लोगों को प्रेरित करेंगे कि नहीं, आप आइए योगा, आप योग दिवा रोज योग करिए हमारे साथ में, निरोग रहिए, और आने वाले समय में आप देखेंगे सागंज में बहुत बहुत बड़ा बदलाव आपको दिखाई देगा। खास करके मातृशक्ति के रूप में हमारे माताएं और बहनों के माध्यम से ये आपको बदलाव दिखाई देगा। सागंज जिला कब बनेगा? बहुत जल्द, मुझे तो उम्मीद पूरी है। मुझे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी पे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। मैं निरंतर उनको मैं इसकी मांग करते रहता हूँ, और मुझे मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि इसकी घोषणा जल्द से जल्द महाराज को करनी चाहिए। हमारे बीच में वरिष्ठ नेता पूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जायसवाल भी हैं। बात करते हैं उनसे खास कि योग पर उनका क्या है विचार। योग आज एक पहचान बन चुकी है पूरे विश्व में। भारत की ये कला, भारत में ये जिसका स्थान था, हमारे ऋषि मुनियों ने जिसको एक पहचान दी थी, आज वो पूरे दुनिया के UNO में भी, कम से कम दुनिया के 200 से अधिक देशों में आज योग फैल चुका है, और उसकी वजह से भारत का एक पहचान बन चुकी है। हमारे सरकार की इच्छा है, हमारे योग गुरु स्वामी रामदेव जी की है, सब लोग यही चाहते हैं कि आयुर्वेद और योग, जो कि हमारी प्राचीन विधा है, भारत की पहचान है, वो घर घर तक पहुंचाया जाए, और इसी के माध्यम से लोग स्वस्थ रह करके समाज के काम में, देश के काम में, राष्ट्र के काम में लगे रहें, और ये दुनिया को इसका लाभ मिले। योग एक ऐसी कला है जिसके जितना भी उसका प्रशंसा किया जाए कम, जितने भी लोग इसमें लगे हुए हैं सब बधाई के पात्र हैं। अंबेडकर नगर सागंज में यह कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि विधायक रमेश सिंह रहे। कैमरा नागरिकों का स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय।